वेलकम बैक टू द चैनल एंड आल्सो वेल्कम टू माई न्यू व्लॉग। सो गाइज, माई सेल्फ साहिल और मेरे साथ मेरा दोस्त अब्दुल्ला, जो कि आज हम लोग चलते चलते आए, मतलब मैंने कोई भी ऑटो वगैरह या फिर बाइक वगैरह में नहीं आया हुआ। मैं यहाँ पैदल चलते चलते अपने घर से 1 किलोमीटर दूर आया हूँ, यहाँ RSP कॉलेज के पास। यहाँ पर एक चर्च है, जैसा कि मुझे बताया गया था, मेरे मामा ने मुझे बताया था कि यहाँ झरिया में एक चर्च है जो कि बहुत पुराना चर्च है और इसके बारे में बहुत कम आदमी को पता है। मतलब झरिया के 95% ऑलमोस्ट 95% लोगों को तो पता ही नहीं है कि यहाँ पर चर्च है। तो मेरा आज का ब्लॉग यही खास होने वाला है, मैं चर्च को आपको अच्छे से एक्सप्लोर कराऊंगा और यहाँ अगल बगल में क्या है मैं उसे भी दिखाने वाला हूँ। तो चलिए लेट्स एक्सप्लोर द चर्च। चारों तरफ आगे पीछे आप देख सकते हो, बिल्कुल मतलब अजीब सा जंगल सा है और बहुत मतलब इधर प्रदूषण भी है, पूरा डस्ट उड़ रहा है यहाँ पर, आप देख सकते हो। और ये है छोटा सा गेट जिससे आप अंदर आ सकते हो और वहाँ मेन रोड है और आप देख सकते हो उधर कोलियरी है माइनिंग्स की। और आप देख सकते हो ये है वो चर्च जो कि आपने सामने देख सकते हो। यहाँ पर घरे वगैरह भी हैं छोटे छोटे बहुत सारे, और आप इधर देख सकते हो इधर ताला लगा है शायद चर्च में, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। चलिए देख लेते हैं सामने से जाकर। तो अभी हम इस चर्च के सामने खड़े हैं और चर्च में ताला लगा है और ये 1975 का बना हुआ चर्च है। इसमें लिखा हुआ है, क्या लिखा है, यंग क्रिश्चियन एसोसिएट और भगड्डी। ये भगड्डी में है गाइस, हम लोग पैदल आ गए यहाँ पर भगड्डी, और 1975 का बना हुआ है, काफ़ी पुराना है गाइस और ताला लगा है इसमें। तो चलिए सामने से देखते हैं कि क्या है, चलिए देखते हैं। तो गाइस अभी हम आगे बढ़ रहे हैं इसे देखने के लिए और आप देख सकते हो यहाँ पर कि यहाँ पर मतलब बहुत दिनों से लगता है कि कुछ साफ़ सफाई नहीं हुआ है, बहुत सारे कबूतर और चिड़ियाँ भी है यहाँ पर और ये पूरी तरीके से लॉक है, जैसा कि आप सब देख सकते हैं कि हम लोग इसके सामने हैं और इसे सजाया गया था शायद अभी क्रिसमस के दिन बैलून से। और आप देख सकते हो कि इसमें ताला लगा है, ताला लॉक किया हुआ है, शायद ये बंद हो चुका है। और यहाँ बल्ब भी है ऊपर में लगा हुआ, आप देख सकते हो ऊपर यहाँ पर लिखा हुआ है 1975, ये 1975 का बना हुआ है गाइस। तो चलिए देखते हैं कि यहाँ पर आए हुए थे और यहाँ का मतलब नज़ारा बिल्कुल ही ख़राब है, मतलब अजीब सा डेंजरस लग रहा है यहाँ पर, बिल्कुल पूरा जंगल टाइप का है और यहाँ काफ़ी सारी बिल्लियाँ हैं गाइस, आप देख सकते हो। और यहाँ की मिट्टी अजीब सी है, आप देख सकते हो बिल्कुल ही नरम है गाइस, बिल्कुल नरम मिट्टी है और पूरा मतलब आप देख सकते हो कितना डस्ट उड़ा है, पूरा लीव्स में मतलब डस्ट ही डस्ट है, आप देख सकते हो गाइस। यहाँ का नज़ारा बिल्कुल ही अच्छा नहीं है और ये चर्च बंद है और इसमें क्रैक्स आ चुके हैं, आप देख सकते हो ये चर्च। हम लोग इसे मतलब दिखाते हैं, हम लोग बहुत कोशिश की है कि नहीं, बहुत कोशिश की गाइस हमें दिखाने की कि अंदर क्या है। मैंने बात भी की, यहाँ 2-3 घर भी है मतलब उसी से, इस चर्च से ही देख सकते हो आप, अटैच 2-3 घरें हैं यहाँ पर। तो मैंने वहाँ पर एक आंटी थी, उनसे बात भी की मैंने, क्या ये चर्च है, उन्होंने कहा हाँ ये चर्च है। क्योंकि यहाँ से आने से पहले मैंने बहुत लोगों से पूछा था कि जो भगड्डी मतलब RSP कॉलेज के पास जो चर्च है, क्या वो चर्च है या फिर कुछ और है। तो बहुत लोगों ने कहा कि नहीं, वहाँ एक फॉरेनर रहते थे और वही उन्होंने सिंबल मुंबल लगा करके और अपने घर को ऐसा बनाया था। पर अभी तो ये क्लियर हो चुका है कि ये झरिया का मतलब वन एंड ओनली एक ही मात्र चर्च है और हमने इसे ढूंढा है, तो हमें बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब यहाँ बहुत आदमी जानते हैं इसके बारे में, चर्च के बारे में, लेकिन बहुत आदमी नहीं जानते हैं झरिया के। मैंने कहा 95% लोग इस चर्च के बारे में नहीं जानते। और ये है वो चर्च जिसके लिए हम इतने दूर आए, हमें तो लगा था कि हम लोग मतलब पूरा चर्च को अंदर से देखेंगे, अंदर से दिखाएंगे, लेकिन यहाँ पर बिल्कुल उल्टा लग रहा है गाइस, कुछ भी नहीं है और इधर पूरा जंगल के टाइप का है, बहुत दिनों सफाई भी नहीं हुई। और मैं फिर आपको दिखा देता हूँ कि ये चर्च जो है वो बंद है, यहाँ आप देख सकते हो पूरे कबूतरों ने मतलब आतंक फैला दिया है। फिलहाल तो यहाँ पर ताला लगा है, पर हम लोगों को एक तरीका मिला है इसे दिखाने का, देख सकते हो आप, इसे ढकेलने से मतलब थोड़ा सा ये फ्री टाइप का हो जा रहा है और हम ऊपर से आपको यहाँ से दिखा सकते हैं कि अंदर क्या हो रहा है। ये देख सकते हो गाइस, ये चर्च का पूरा अंदर का सीन, और अच्छे से दिखाता हूँ मैं आपको, ये देख सकते हैं आप, ये बाइक है एक तरफ और ये पूरा खाली है, सिर्फ सामने वहाँ पर जीसस की जो कि चर्च में होता है आप सब जानते होंगे, उस टाइप की है जैसा ये था। तो लगा था कि अंदर का नज़ारा हमें देखने नहीं मिलेगा, आप लोगों को भी नहीं देखने मिलेगा, पर हम लोगों ने तिकड़म लगाकर और अंदर देख ही लिया। सो गाइस अब इसे बाय बाय कहने का वक्त आ चुका है और अब हमें 1 किलोमीटर भी सफ़र तय करना है, तो इसलिए गाइस अब हम लोग जा रहे हैं घर की ओर। देख सकते हो हमने गेट को पार कर लिया है
और अब हम लोग रोड पर निकल चुके हैं। सो गाइज मैं बस इतने में ही छुपने बैठने वाला, रास्ते में आने वाला है RSP कॉलेज जो कि काफ़ी पुराना कॉलेज है और उसे बंद कर दिया गया है पता नहीं क्यों। और हम आपको दिखाने वाले हैं राजा शिव प्रसाद कॉलेज। अब यहाँ पर की जो प्लेग्राउंड है उसमें बच्चे क्रिकेट खेलते हैं और आज तो है 26 जनवरी, जैसे कि आप लोग जानते हैं 26 जनवरी रिपब्लिक डे, तो आज यहाँ मैच हो रही होगी। तो चलिए हम आपको थोड़ा बहुत RSP कॉलेज की भी व्यू दिखा देते हैं। सो गाइज अभी हम लोग RSP कॉलेज के अंदर इन कर चुके हैं और आप देख सकते हो पूरा यहाँ पर मतलब तोड़ फोड़ मचा दिया गया है। इधर भी पूरा मतलब एकदम ख़त्म हो रहा है RSP कॉलेज, ये आप देख सकते हो उधर का भी तोड़ दिया गया है। और अब फ्लैग होस्टिंग वहाँ पर होती है ग्राउंड के पास। हम इधर दिखाते हैं आपको अंदर चलकर पूरा अंदर, इधर यहाँ मतलब हम लोग जहाँ भी जा रहे हैं ना, कल से अब्दुल्ला कल अध्ययन के साथ गए थे महल में, वहाँ पूरा कैमरा खंडर। यहाँ आए यहाँ पर हम लोग अभी चर्च गए गाइस, तो चर्च में पूरा खंडर और यहाँ पर भी पूरा खंडर, पूरा तोड़ दिया गया है RSP कॉलेज को। मतलब जो बच्चे इसमें पढ़ते थे कॉलेज में वो इस ब्लॉग को देखकर मतलब खुश नहीं होंगे, यहाँ लाइट ही नहीं है गाइस, खुश नहीं होंगे क्योंकि इन्हीं सब रूमों में उन्होंने पढ़ाई की होगी और आज इनका ये हाल हो चुका है। और यहाँ से सीढ़ी है गाइस, चल देखते हैं थोड़ा, यहाँ से सीढ़ी है और हम लोग सीढ़ी पर चढ़ रहे हैं, ग्राउंड का नज़ारा दिख रहा है सीधा सीधी, और हम लोग थोड़ा और ऊपर चलते हैं। हम भी पहली बार आ रहे हैं गाइस RSP कॉलेज, बाहर से ही देखते थे, अंदर से मैं पहली। ये गाइस आप देख सकते हो क्या हाल है RSP कॉलेज का, RSP कॉलेज मतलब बर्बाद हो गया पूरे तरीके से। पर आप देख सकते हो वहाँ ग्राउंड है और यहाँ पर हम थे अभी, यहाँ पर पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका है। ये आप देख सकते हैं ऊपर की हालत, आराम से देख के चलना। तो अब हम चलते हैं यहाँ से निकल कर, यहाँ पर से हम लोगों ने बाहर आ गए हम लोग, देख सकते हो अभी भी यहाँ ये लाइब्रेरी थी गाइस, शायद लाइब्रेरी, और ये क्या था, एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक था ये गाइस, आप देख सकते हो। क्या हुआ वाह, क्या हुआ खंडर, इतने अच्छे कॉलेज को मतलब पूरा तोड़फोड़ मच गया, इतना बड़ा कॉलेज इतना अच्छा कॉलेज को बर्बाद कर दिया गया गाइस। सो गाइस आज के इस ब्लॉग को हम यहीं पर एंड करते हैं। अगर ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर करें इस वीडियो को और कमेंट करें कि मेरे थर्ड ब्लॉग में मुझसे क्या क्या गलतियाँ हुई, क्योंकि मैं उन गलतियों पर वर्क कर रहा हूँ। अब तक मैंने देखा कि कमेंट में कोई भी गलती नहीं आई, तो मतलब मुझसे ब्लॉगिंग अच्छी हो रही है, मैं ये समझ रहा हूँ। और गाइस तो यहीं पर एंड करते हैं, आशा करता हूँ ये ब्लॉग अच्छा लगा हो। तो चलिए मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय।